जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज सुबह वीडियो बनाया था कि ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं, और वो उस ज्वाइनिंग लेटर में डेट नहीं थी, लेकिन अब जो ज्वाइनिंग लेटर आया वो सीआरपीएफ का आया गांधीनगर से, और ये ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। और इसका जैसे मैं आप देख रहे हो, आप पहले देख लीजिए, ये फोटो है ज्वाइनिंग लेटर की। और जैसे एक चीज़ मैंने आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ना बनाएं, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग क्षेत्र जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका उसके साथ में अटैच आएगा। तो इस ज्वाइनिंग लेटर के साथ में अटैच आया है, वो दोनों कैसे बनाने उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या खास बात लिखी हुआ है इस ज्वाइनिंग लेटर में, आईटीबीपी का जो एक ज्वाइनिंग लेटर था उसमें भी एक पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें भी लिखा हुआ है, तो क्या वो पॉइंट है और कैसे आपको ये सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग लेटर है। सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं, पहले इसकी बता दूँ, इसकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है ये 13 तारीख को आया, और 15 मार्च की ज्वाइनिंग में हमेशा से बताया हूँ कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। मेरे हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग करने के लिए, और ज्वाइनिंग डिले नहीं होगी। मैंने 15 तारीख आपको लास्ट डेट थी, आज 13 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए। और कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर आप 15 किस हिसाब से बता रहे हो, या 15 को नहीं आएगा तो देख लीजिए, आना शुरू हो गया है सभी के, और 15 से पहले आ गए हैं। 15 में बता रहा था कि 15 भी आई नहीं है, अब 15 आई है, तो उससे पहले ही 13 को यार ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं सीआरपीएफ का, और बाकी भी और सभी डिपार्टमेंट के आपके पास में अगले 7 दिन यानी 20 तारीख से पहले पहले सभी के पास में ज्वाइनिंग लेटर होंगे। तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच आया दोस्तों। तो जो अटैच कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसको बनाना है, एक एसडीएम से बनेगा, एक पुलिस थाने से बनेगा। तो पुलिस थाने वाले में ऐसा हो सकता है, अगर आपके पास में ये आया है उसमें ज्वाइनिंग लेटर में, मेरे पास में जो फोटो उसमें क्लियर नहीं हो रहा, उसमें लिखा हुआ आता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला है वो ऑनलाइन भी बनता है, ऑफलाइन भी बनता है। अगर उसमें ऑनलाइन का लिखा हुआ रहता है तो आपको साइबर कैफे पे जाना है, वहाँ से बोलना कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करानी, फिर भी जाना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन भी होगा तो भी जाना पड़ेगा, वो वहाँ से फिलअप करेगा, आपको हाथ में देगा, वो आपको पुलिस स्टेशन में जमा कराने, उसके 5 या 6 दिन के अंदर अंदर वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ऐसे बनेगा कैरेक्टर वाला। दूसरा बनेगा, उसमें क्या करना है, वो फॉर्म फिलअप करके आपको एसडीएम साहब के पास में जाना है, एक गवाह ऐसा होना चाहिए या कोई गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए जो आपको भी जानता हो, एसडीएम साहब उसको उसके पद से जानते हो, ऐसे नहीं एसडीएम साहब का कोई रिश्तेदार हो, उसके पद को जानते हो, तो वहाँ पर वो गवाह के रूप में साइन करेगा कि हाँ भाई ये जो लड़की है रमकू देवी जम्पू देवी, या जो लड़का है मंगनाराम संगनाराम जो भी है उसका साइन है, मैं इसको जानता हूँ पर्सनली तौर पर, वो सील साइन करेगा और फिर आपका वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक इसमें भी एक खास बात आई है, आईटीबीपी वाले में भी आई थी, सीआरपीएफ वाले में भी वो खास बात है। क्या पॉइंट है वो? वो पॉइंट ये है कि अगर आपका 1 साल हो जाता है मेडिकल को, मेडिकल की फिट की जो डेट है उससे अगर 1 साल बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो 1 साल तक ही आपका वैलिड रहता है वो मेडिकल, तो दोबारा से आपका सीआरपीएफ का जो ऑफिसर है वो वापस से मेडिकल करेगा, कोई भी मेडिकल टेस्ट या किसी भी बीमारी की जाँच कर सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग मेरे को बार बार पॉइंट कर रहे हैं, तो उसमें जो एक दूसरा पॉइंट पहले मैं बता दूँ फिर क्लियर करूँगा। दूसरा जो पॉइंट था वो दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी लोग हैं उनके जो अगर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो सकता है, अगर उसमें अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको वापस निष्कासित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है अंडरवेट ओवरवेट, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम ओवरवेट हो गए, तो देखिए 1 महीने का टाइम है। वैसे तो मैं आपको ये बोलने को तो हमेशा बोलता रहा हूँ कि ज़्यादा कोई खास मेडिकल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस बार कोरोना काल भी रहा है और 1 साल से ऊपर टाइम भी हो रहा है, उसमें ज्वाइनिंग लेटर में साफ साफ लिखा हुआ भी आया है, हमारे समय में ज्वाइनिंग लेटर में ये पॉइंट नहीं था, तो इसी बार लिखा हुआ आया, तो इसका मतलब है कि आपका हल्का फुल्का मेडिकल होगा, ठीक है, और हो सकता है मेडिकल हो आपका। तो अगर हल्का फुल्का आपका अगर मेडिकल होता है मेरे दोस्तों, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार रहने के लिए अगर आप ओवरवेट हो गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करिए और वेट कम करिए, लेकिन ज़्यादा ये नहीं कि आप मतलब उस पर उतर जाओ, आपको निष्कासित नहीं करेंगे, आपको घर नहीं भेजेंगे, लेकिन हाँ जो काम आप कर सकते हो, वेट आपका थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो तो ज़रूर कम कर लीजिए। अब ज़्यादातर डर रहता है आइज़ का कि सर मेरी आइज़ कमज़ोर तो नहीं हो गई है, तो जो मेडिकल फिट थे उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिकली फिट रहोगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितने भी रीमेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशी की बात है कि उनको 1 साल अभी नहीं हुआ है, उनका वापस से रीमेडिकल हुआ है, लेकिन कईयों के पॉइंट के हिसाब से फिर भी आप इस पूरे ऐसे ना हो जाए कि हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि होने को वहाँ ऐसा है कि ये कोई गारंटेड नहीं है कि भाई आपका होगा ही नहीं। अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है समय तो आपको मान लो बाद में तो केवल जो पॉइंट दिया उसी का मेडिकल हुआ ना, पूरा रीमेडिकल तो नहीं हुआ, तो जो पॉइंट दिया है उसका मेडिकल हुआ, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको
वापस मेडिकल होगा तो मैं पहले बोल नॉर्मल मेडिकल होगा, पूरा का पूरा मेडिकल नहीं होगा, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि किसी भी डिसीज के लिए सीआरपीएफ का जो ऑफिसर रहता है वो चेक करेगा कि भाई आपको बीमारी है या नहीं है। तो दोस्तों उसमें ये आपको घबराने वाली ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पॉइंट जरूर लिखा हुआ आया है तो उसके लिए आपको मतलब इतना ज़्यादा मतलब दिमाग में परेशान नहीं डालना कि अरे मेरी आइज़ ख़राब है, ये नहीं कोई नहीं सब ठीक है, आप मेडिकल फिट हुए इसका मतलब आप सब ठीक हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको डायरेक्ट निष्कासित नहीं करेंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है, लिखने को तो आपके जॉब को भी टेम्परेरी लिखते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जॉब टेम्परेरी करके बाहर निकाल दिया, नहीं निकाला आज तक किसी को, लिखने को वो लिखा जाता है पॉइंट कि टेम्परेरी है आपकी जॉब और 3 साल के बाद में वो फिक्स होती है, लेकिन सभी की होती है ना फिक्स, किसी को बाहर निकाला गया देखा है आज तक तो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए आप इस बात पे ज़्यादा चिंता ना करें। बाकी ज्वाइनिंग लेटर आने आपके शुरू हो गए, अब एक विशेष बात मैं आपको बताना हूँ, 1 महीने का आपको टाइम दिया है, 1 महीने में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी लगी हुई है, अगर फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप डालूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रारूप डालूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड का मैं बता ही दिया हूँ आपको, अकाउंट के उसमें लिखा हुआ है कौन सी बैंक का अकाउंट खुलाना है वो सब लिखा हुआ है उसमें, मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ उसको क्योंकि फोटो जो जिस बंदे ने मेरे को भेजी है या जो मेरे पास में फोटो पर्याप्त हुई है उसमें अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा मैं। तो उस बैंक का अकाउंट आपको ओपन कराना है अपने नज़दीक में, और जो मेडिकल वाला जो कर्न एक तो कलर ब्राइंडनेस वाला पॉइंट लिखा आ रहा है, एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका मेडिकल जिनका 12 महीना हो गया उसका मेडिकल हो सकता है, तो हो सकता है इसलिए आप टेंशन ना लें, अगर होगा तो नॉर्मल मेडिकल होगा, जिसका ओवरवेट हो गया 2-3 किलो वो कम कर लीजिए, ठीक है, कम करने की कोशिश करिए कि आपका वेट कम हो जाए कैसे भी, अभी ये नहीं कि इसके लिए आप ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, कम करने का सीधा सा तरीका सुबह सुबह गर्म दूध ग्रीन टी ले लीजिए, उसमें हनी मिला लीजिए थोड़ा सा शहद और सुबह सुबह रनिंग शुरू कर दीजिए, 10-15 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा। तो एक सीधा सा काम है, ग्रीन टी मंगाइए, ग्रीन टी पीते रहिए दिन में 2-3 बार, 2 बार भी पी लीजिए, हनी मिला लीजिए उसमें सुबह गर्म उबले हुए पानी के साथ में वो पीजिए, और कोई टेंशन नहीं है, आपका वेट कम हो जाएगा, और ये कोई पॉइंट नहीं होता, इसमें आपको पॉइंट नहीं देंगे, अगर 1-2 किलो ऊपर नीचे भी होगा तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप फिट रहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको फालतू की आस नहीं देना चाहूँगा, बाकी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा कोई पॉइंट खास है नहीं कि आपको मतलब ज्वाइनिंग लेटर में कि इतनी कोई परेशानी है, बस वही है जो सीआरपीएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर अभी जो आया गांधीनगर वाला, तो सभी के ज्वाइनिंग लेटर आपके ये मान के चलिए 20 तारीख तक सभी डिपार्टमेंट के आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे असम राइफल के। अब एक चीज़ आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, अगर किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता सीआरपीएफ का और उसी का वहीं से आना है, यानी जहाँ से आया वहीं से आने की उम्मीद है, तो 7 दिन तक आप वेट करिए, उसके बाद में नहीं आता तो फिर आप मेरे को कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम पर, मेरे को मैसेज करिए कि सर मेरा नहीं आया है, बाकी मेरे आसपास वाले सभी के आ गए, लेकिन उसी डिपार्टमेंट वाला कनेक्ट करिए, ऐसा नहीं सीआरपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं मेरे को असम राइफल वाला बंदा बोल रहा है कि सर मेरा नहीं आया है, तो मैं भी परेशान होऊंगा, उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं रहेगी। अब जैसे सीआरपीएफ के सभी आ गए और आपका नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को बताना, मैं पता करके आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे कि कब तक आपका आएगा या ऑनलाइन आएगा या मतलब किस प्रकार से आपको पता चलेगा, वो सभी की सभी जानकारी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, तो उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनलाइन भी अपडेट इस बार आने के चांसेस है, तो अभी मैं वो ऑनलाइन अपडेट आएगी तो आपको और ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गए, ये बहुत गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, और मेडिकल वाला पॉइंट है उसमें कोई चिंता नहीं, फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए। जय हिंद, जय